मोदी सरकार ने जब से सत्ता संभाली है तब से रेलवे का बंटाधार कर दिया है। पहले रेल बजट खत्म कर उसे आम बजट के साथ मिलाया, फिर निजीकरण की प्रक्रिया से जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ना चाहा। इन्हीं नाकामियों की वजह से रेलवे की हालत खराब हो गई है, जिसकी दास्तां रद्द होने वाली टिकटों के आंकड़े बयां कर रहे हैं। भारतीय रेलवे की खस्ता हालत से हर कोई वाकिफ है। ना तो यात्रियों को ट्रेन में सुविधा मिलती है और न ही सुरक्षा मिलती है। उल्टा अब तो हालत ये है कि यात्रा के लिए टिकट मिलना भी मुश्किल होता जा रहा है। जी हाँ, देश में हर महीने औसतन 8 लाख से ज्यादा ऑनलाइन टिकट कंफर्म नहीं होती, जिसकी वजह से टिकट रद्द हो जाती है। इन आंकड़ों का खुलासा आरटीआई की रिपोर्ट में हुआ है। दरअसल नीमच के रहने वाले आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने रेलवे में रद्द होने वाली टिकटों की जानकारी मांगी थी, जिसमें सामने आया है कि अप्रैल से नवंबर 2019 तक ऑनलाइन बुक कराई गई 65,68,852 टिकटें चार्ट बनते समय कंफर्म न हो पाने से आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर अपने आप रद्द हो गईं। आरटीआई के जवाब में बताया गया है कि हर महीने रद्द होने वाली टिकटों का आंकड़ा करीब 8 लाख तक जाता है। ऑनलाइन बुक हुई रेल टिकट चार्ट बनते समय कंफर्म न हो पाने की वजह से वो खुद ही रद्द हो जाती हैं और यात्रियों को राशि के साथ इसकी सूचना दे दी जाती है। इन आंकड़ों से रेलवे की दुर्दशा साफ झलकती है कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी सरकार ट्रेनों की संख्या नहीं बढ़ा पा रही है। हर साल ऐलान तो किया जाता है, लेकिन बावजूद इसके स्थिति जस की तस बनी हुई है। इस स्थिति पर रेल विभाग कहता है कि यात्रियों की संख्या ज्यादा है। यहां तक कि रेल मंत्री पीयूष गोयल भी कह चुके हैं कि गाड़ियों पर लोगों का बोझ बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो अपनी खामी को मानने को तैयार नहीं है। अब सवाल उठता है कि क्या रेलवे का हाल ऐसा ही बना रहेगा? क्या सरकार अपना पल्ला झाड़ती रहेगी और जनता खामियाजा भुगतती रहेगी? डीबी लाइव की रिपोर्ट।